टैक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं सी ए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने अपील को फाइल करने के लिए लिमिट को बढ़ा दिया है। इसके लिए आप CBIC के इंस्ट्रक्शन को रेफ़र कर सकते हैं जो कि 11 जुलाई 2018 को इशू की गई हैं, जिनका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। CBIC ने कहा है कि सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स से रिलेटेड जो केसेज हैं उनमें अपील को फाइल करने के लिए डिपार्टमेंट को यह देखना है कि जो टैक्स इफेक्ट है वह कितना है। यदि टैक्स इफेक्ट 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो ही सस्टा के सामने अपील को फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा हाई कोर्ट में अपील को फाइल करने के लिए भी लिमिट को बढ़ा दिया है, यानी कि 50 लाख रुपये से ज़्यादा का यदि टैक्स इफेक्ट है तो ही अपील को जो हाई कोर्ट में है वो फाइल किया जा सकता है। इसी प्रकार ही सुप्रीम कोर्ट में अपील को फाइल करने के लिए टैक्स इफेक्ट जो है वो 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा का होना चाहिए। CBIC ने कहा है कि यह इंस्ट्रक्शन उन केसेस में अप्लाई नहीं होगी जहां पे के सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है। इससे पहले CBIC की जो इंस्ट्रक्शन थी वो 17 दिसंबर 2015 को इशू की गई थी, जहां पे के मॉनेटरी लिमिट्स दी गई थी अपील को फाइल करने के लिए अपीलेट फोरम के सामने, यानी कि सस्टा के सामने जो अपील फाइल करने की लिमिट थी वो 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की थी, हाई कोर्ट में 15 लाख रुपीज़ से ज़्यादा थी और सुप्रीम कोर्ट में 25 लाख रुपीज़ से ज़्यादा थी। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।